हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि शॉर्ट्स की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और ये भी क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। आज का सेशन अगर आप देखो तो निफ्टी सिर्फ 50 पॉइंट माइनस था, बट बैंक निफ्टी 700 पॉइंट माइनस था। सो आई होप आप लोगों ने बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने इंडेक्स में प्रॉफिट कमाया है, जो मैंने आपको व्यू दिया था उसके बेसिस पे। अब एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले निफ्टी देखते हैं। निफ्टी मुझे अभी भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। निफ्टी अगर आप देखो ये ट्रेंड लाइन तोड़ ही नहीं रहा है। निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ से, और निफ्टी में मैं यहाँ से शॉर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ज़्यादा बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हो सकता है ये 10,900 और 11,000 तक आ जाए, तो निफ्टी में आपको शॉर्ट करने की राय नहीं होगी। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रक्चर वीक लग रहा है, ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट से जब आप ध्यान दे सकते हो, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि दो दिन में काफी बड़ा फॉल आ चुका है। अगर आप देख फ्राइडे और मंडे, ये दो दिन में काफी बड़ा फॉल आ चुका है, तो कल हो सकता है थोड़ा बहुत हमें साइडवेज एक्शन देखने को मिले, या थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिले। ठीक है, तो कल थोड़ा सा आपको स्मार्टली शॉर्ट करना पड़ेगा। इंट्राडे जो बाउंस आता है, बाउंस के हिसाब से आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। व्यू अभी भी बेरिश ही है, शॉर्ट की तरफ ही आपको ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन थोड़ा सा आपको स्मार्टली शॉर्ट करना पड़ेगा। डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक मैंने आपको पीवीआर सेल दिया था, पीवीआर में सेल ट्रिगर हुआ नहीं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बाय दिया था, इसमें भी बाय ट्रिगर नहीं हुआ है। अब जितने भी नए लोग ज्वाइन हुए उनके लिए मैं एक लॉजिक समझा देता हूँ, मैं क्या फॉर्मेट में ट्रेड देता हूँ, आपको क्या बेसिस पे ट्रेड लेना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई स्टॉक बोला 597 के अबव आपको बाई करना है, 597 के अबव आपको बाई करना है। और जो स्टार्टिंग का 15 मिनट कैंडल होता है, उस कैंडल ने हाई बनाया 600 का, लो बनाया 590, और प्राइजेस चल रहा है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 593 के आसपास फॉर एग्जाम्पल। सो आप ये बाई करोगे? नहीं बाई करेंगे। क्यों नहीं बाई करेंगे? क्योंकि जब आप एंट्री ले रहे हो तब प्राइसेस 593 है, और मैंने आपको बोला था 597 के अबव बाई करना है। जो ओपनिंग जो कैंडल होता है 915, उसमें कुछ भी हाई बना सकता है, दैट इज नॉट अ ट्रेडेबल प्राइस। ठीक है, आपका जो प्राइस है वो ऐसे मूव करना चाहिए, 590 लेवल का क्रॉस करके ऐसे ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तभी आपका ट्रेड क्या होगा? ट्रिगर होगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो मैं कंडीशनल लेवल बेस पे ट्रेडिंग देता हूँ, मैं करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड नहीं देता। सो जितने भी नए लोग ज्वाइन हुए हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मैंने आपको कोई स्टॉक 597 के नीचे सेल बोला है तो 597 के नीचे ही आपको सेल करना है, भले ही ऊपर वो कितना भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है, तभी आपको सेल नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको मैकडोवल सेल दिया था। मैकडोवल में काफ़ी अच्छा पैसा बना, अगर आपने देखा हो तो स्टार्टिंग में ही मॉर्निंग में इंट्राडे में काफ़ी अच्छा पैसा आ गया था, क्योंकि ये यहाँ पे कैंडल में ओपन हुआ था और उसके बाद एक शार्प वाला में देखने को मिला था 586 तक। तो मैकडोवल में डेफिनेटली आप लोगों ने अच्छा पैसा बनाया होगा, 5-6 रुपये का प्रॉफिट इसमें आया। और पीवीआर और श्रीराम ट्रांसपोर्ट हमारा ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा हैवेल्स। हैवेल्स अगर आप देखो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और आज का जो पैटर्न है वो काफ़ी नेगेटिव पैटर्न है, क्योंकि ये बायर्स का कैंडल था, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया और वापस सेलर्स आ गए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से अगर फॉल होता है तो एक बड़ा फॉल में देखने को मिल सकता है, 560-550 तक भी आ सकता है ये स्टॉक। सो हैवेल्स काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा कल के सेशन के लिए, एंड पोजिशनली भी काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो। नेक्स्ट स्टॉक होगा एमजीएल। एमजीएल अगर आप देखो एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना रहा है, यहाँ से एक फॉल आया था। ठीक है, और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हुआ एंड वापस अब फॉल स्टार्ट हुआ है, और हम लोग राउंड ऑफ नंबर के आसपास भी है, 1001 यानी 1000 का राउंड ऑफ लेवल है। अगर वो लेवल टूटता है तो हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। हैवेल्स भी अगर आप देखो राउंड का जो राउंड ऑफ लेवल था वो हैवेल्स ने तोड़ दिया है, तो मुझे लगता है एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक होगा जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो इसमें भी इवनिंग स्टार पैटर्न बना है और यहाँ पर सेलर्स बहुत एग्रेसिव क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, और ये कंटिन्यूअसली ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहा, आप देख सकते हो। अगर इसमें 1650 का लेवल टूटता है, 1660 का लेवल टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो कौन से लेवल पे शॉर्ट करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूं। आपको ट्रेड कैसे लेना है लेवल्स के हिसाब से ये आपको समझ में आया होगा। जितने भी नए सब्सक्राइबर है
जितने भी पुराने सब्सक्राइबर है, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, उनको काफी अच्छे से पता है कि लेवल्स के हिसाब से ट्रेड लेना है। इसलिए मैंने आज आपको टेलीग्राम चैनल में भी मैसेज कर दिया था कि यू हैव टू ट्रेड एज पर लेवल्स ओनली। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।